हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका ट्यूटर मिस्टर विष्णु हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में और सभी का स्वागत करता हूँ बेटा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाउ वी डिफरेंशिएट एन इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये एनुअल एग्जाम में इससे बेटा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इससे पहले सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले आए बेटा। ओके, तो सबसे पहले हम बताते हैं व्हाट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है? तो कहते हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन है जो एक्स और वाई दोनों वेरिएबल आपके पास डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों इंक्लूड हैं, वेयर वाई इज नॉट डायरेक्टली रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ एक्स। जहां पे हम वाई को डायरेक्टली एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, तो ये है बेटा आपके पास इम्प्लिसिट फंक्शन। आज हम करेंगे हाउ वी डिफरेंशिएट एन इम्प्लिसिट फंक्शन, इसको हम डेरिवेटिव कैसे करते हैं। और जैसा कि हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि इसका आपका एनुअल एग्जाम में 4 मार्क्स का 101% यहां से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो अब हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, तो इसमें हम अटेम्प्ट करते हैं आपका फर्स्ट, और बोलो कौन सा अटेम्प्ट करें, थर्ड अटेम्प्ट कर देते हैं, ठीक है। रिमेनिंग आप अपनी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सभी में फर्स्ट पार्ट में आपने क्या लिखा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया आपने, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहां डेरिवेटिव क्या आएगा, 2ax, और ऐसा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहां क्या आएगा, विथ 2x कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई का यू इन टू वी से करेंगे, फर्स्ट एज इट इज y का dy बाई डी एक्स, और वाई एज इट इज, और x का क्या आएगा, x का आएगा आपका 1। अब हम करेंगे टू बी पहले पावर का डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर क्या आएगा 2y, और y का क्या आएगा dy अपॉन डी एक्स प्लस। अब 2gx से क्या आएगा, वी 2gx से x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 2fy से 2f एज इट इज, और y का क्या आएगा dy बाई डी एक्स, एंड c कॉन्स्टेंट है, c का 0। अब आपका क्या है, 2 सभी का क्या कर लिया आपने, कॉमन निकाल लिया 2, और 2 कॉमन आके राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, 0। अब हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx कॉमन निकालते हैं, dy अपॉन dx। तो यहां क्या रहेगा बेटा, मल्टीप्लाई करें यहां रहेगा hx, dy बटे c कॉमन टर्म चेक करें कहां कहां है ये, तो इधर आपके पास क्या रहेगा, यहां रहेगा by, और यहां रहेगा सिर्फ आपके पास प्लस f, और जिसमें डिवाइड बाय डीएक्स नहीं उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देते हैं। तो यहां आएगा माइनस सरिया कॉमन निकाल लेते हैं, यहां आएगा भी ax, यहां x की और y की मल्टीप्लाई प्लस hy, और इसी प्रकार से आपके पास प्लस g, ये आपका राइट हैंड साइड में जाएगा, और dy अपॉन dx क्या आएगा आपके पास नेगेटिव कॉमन, ये है ax प्लस hy प्लस g एंड डिवाइडेड बाय एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट था। थर्ड अटेम्प्ट करते हैं, अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स रेट टू द पावर 2/3 प्लस वाई रेट टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए रेट टू द पावर 2/3। ओके बेटा, तो अब हम यहां पे हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव u प्लस डेरिवेटिव v, ठीक है। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर फंक्शन है, पावर आगे 2/3 आगे, और x की पावर 2/3 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगी, -1/3, और ऐसा क्या हो जाएगा, पावर फंक्शन एंगल लिए यहाँ पे x का 1, अगेन पावर फंक्शन है 2/3, और y की पावर क्या आएगी -1/3, लेकिन x का यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे y का क्या आएगा dy ओवर dx, और इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है, एक्स वेरिएबल नहीं है जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये 0 हो जाएगा, 2/3 दोनों क्या आ जाएगा कॉमन, और फिर जाके क्या हो जाएगा 0। अब डीवाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये है डीवाई ओवर डी एक्स, एक्स क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, माइनस एक्स की पावर -1/3, ये क्या आ जाएगा इधर आके डिवाइड में वाई की पावर -1/3। आप यदि इनकी पावर को पॉजिटिव करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, यानी dy ओवर dx इज इक्वल टू नेगेटिव, तो एच टी रहेगा, y की पावर ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और x की पावर
नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे भी राइट कर सकते हैं माइनस ऑफ वाई ओवर एक्स रेज टू द पावर 1/3। ओके बेटा, अब रिमेनिंग जो पार्ट है उनको आप अटेम्प्ट करो, किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस एक्सरसाइज की आपको कोई भी एग्जांपल नहीं, क्वेश्चन में आपको बेटा डेरिवेटिव करना है एट द पॉइंट 4 और 9। मतलब एक्स को आपको क्या पुट करना है, डिवाइड बाय एक्स में एक्स को 4 पुट करना है और वाई को क्या पुट करना है आपको 9। तो पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसके रिस्पेक्ट में किया, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ऐसे होता है, ऐसा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, रूट वाई का 1/2 रूट वाई, लेकिन वाई का क्या आएगा, वाई का आएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ओके, और 1 का क्या हो जाएगा, सॉरी आपका 0 कॉन्स्टेंट है। अब आपका क्या है, डी ए कॉमन आके उधर जाके 0 बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकाले पहले डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 ओवर रूट एक्स, ठीक है। और वाई डिवाइड में जितना क्या हो जाएगा, यानी क्या वैल्यू आ गई, माइनस रूट ऑफ वाई ओवर एक्स, इकट्ठा लिख सकते हैं दोनों का स्क्वायर रूट है। अब क्या पुट कर दें, पुट करो तो एक्स को 4 एंड वाई को 9, तो डी वाई ओवर डी एक्स किस पे भी 4 9 पे, तो यहाँ माइनस ऑफ ये है, वाई की वैल्यू 9 है और एक्स की वैल्यू क्या है 4, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 और 4 क्या आएगा 2। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास, यदि आपके बेटा ध्यान देना, किसी क्वेश्चन में आपके वेरिएबल सेपरेट होते हैं, सेपरेट का मीनिंग है एक्स एक तरफ और वाई एक तरफ, तो हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाएंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे। ऐसा करने से आपका जो डिफरेंशिएशन है वो इजी हो जाता है। तो यहाँ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्स साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कोस ए प्लस वाई इक्वल टू क्यू, और ये आपको प्रूव करना है डिवाइड बाय डी एक्स को। तो हमने क्या किया, एक्स साइन ऑफ ए प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ साइन ए इंटू कोस ऑफ ए प्लस वाई, और x की वैल्यू क्या आएगी, ये इधर आके डिवाइडिंग हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई। मतलब आपका x एक तरफ है और y एक तरफ हो गया। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, y कर लो, यानी डिवाइड बाई डी एक्स निकाल लेते हैं हम, आगे समझ में, ठीक है। तो यहां क्या आएगा लेफ्ट साइड में, डी एक्स बाई डी वाई, डी बाई डी वाई डेरिवेटिव किया हमने डी बाई डी वाई, ठीक है। तो यहां हम कौन सा आंसर लगाएंगे, यू अपॉन वी, वी होल स्क्वायर वी ए प्लस वाई, ये आ जाएगा होल स्क्वायर, और ये एज इट इज विद साइन ऑफ ए प्लस वाई एज इट इज। अब क्या करें हम, यू का डेरिवेटिव माइनस है ना, माइनस को हमने क्या कर लिया है, माइनस को हम टोटल से बाहर राइट कर लेते हैं, ठीक है। ये है भी साइन एज इट इज, यानी साइन ए, और कोस का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और यहां लिख लिया हमने माइनस, ये हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस वाई, और अब ए प्लस वाई का ए का 0, वाई का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डी वाई 1 हो जाएगा, ठीक है, माइनस भी। अब ये एज इट इज, यानी साइन ऑफ ए इंटू कोस ऑफ ए प्लस वाई एज इट इज। अब वी का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस आएगा, ठीक है, कोस ए प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा, कोस का स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और टोटल से बाहर क्या आपका माइनस, यहाँ क्या है माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये है डी एक्स ओवर डी वाई, तो ये माइनस का माइनस माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और साइन ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, तो भी साइन ए को तो दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, साइन ए को कॉमन निकाले, यहाँ हो जाएगा साइन ए प्लस वाई, साइन ए प्लस वाई, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, माइनस और ये माइनस, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाय, या तो साइन स्क्वायर लिख दो टोटल का, उसके तो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जहां प्रूव करना हमारे पास यही है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये वैल्यू हो जाएगी 1, यानी डी एक्स ओवर डी वाई क्या आ जाता है, विद साइन ए ओवर विद साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। नाउ वी इसको आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, ये डीवाई बाई डी एक्स बन जाएगा, इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा विद साइन स्क्वायर ए प्लस वाई एंड डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा साइन ए, हैंड्स प्रूव, यही आपको प्रूव है। हम अटेम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 में, फर्स्ट पार्ट एंड थर्ड पार्ट, और एक बार अटेम्प्ट कर लेते हैं हम, फर्स्ट का डेरिवेटिव करते हैं। तो फर्स्ट में आपके पास क्या है, y फर्स्ट एज सेकंड एज क्या आएगा, सेकंड x इनटू tan x,
प्लस सीकेंट एक्स एज इट इज, और वाई का क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी यू इंटू वी लगाया दोनों पे। अब टेन वाई का, टेन वाई क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर वाई, और वाई का क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। प्लस एक्स वाई का किस मेथड से करेंगे, यू इंटू वी से, एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज एक्स क्या आएगा वन और इक्वल टू जीरो। अब क्या करें डी वाई बाई डी एक्स को निकालो, डी वाई ओवर डी एक्स जिस, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स वन टू एंड थ्री, तो यहां से क्या रह जाएगा, यहां से रहेगा सीकेंट एक्स, यहां से रहेगा आपके पास सीकेंट स्क्वायर वाई, और यहां से क्या रहेगा एक्स, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स राइट में शिफ्ट कर दो माइनस कॉमन विद, तो ये वाई पॉजिटिव, इसको शिफ्ट किया हमने, यहां शिफ्ट किया है, ठीक है। और आपके पास क्या रहेगा, ये दो ही टर्म है, प्लस वाई सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, और ये इधर क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में, ठीक है बेटा। अब हम कर रहे हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड में आपके पास है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव बोलो, डायरेक्ट कर रहे हैं हम भलाई, साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कोस एक्स, यानी एक्स वाई, एक्स वाई का किस मेथड से करें, पावर थ्री फंक्शन का किया, अब एक्स वाई का यू इंटू वी से, एक्स एज इट इज वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज ऐसा क्या आएगा वन। अब एक्स अपॉन वाई का यू अपॉन वी मेथड से ये आएगा वाई स्क्वायर वाई एज इट इज एक्स का वन माइनस, अब एक्स एज इट इज वाई क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा टू एक्स, ठीक है, माइनस वाई क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपका राइट हैंड साइड। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डिवाइड बाय डी एक्स को निकालना है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ अलग अलग राइट करते हैं, पहले हम इसको अलग राइट कर लेते हैं, ये वैल्यू अभी एक्स कोस एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, प्लस यहां मल्टीप्लाई वाई कोस एक्स वाई, वाई कोस एक्स वाई, यहां जब हम सिंप्लीफाई करें क्या रह जाएगा वन अपॉन वाई, यानी वाई अपॉन वाई स्क्वायर वन अपॉन वाई, माइनस यहां रहेगा एक्स अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स को जाओ, ये आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव डी वाई बाई डी एक्स, और इक्वल टू क्या रह जाएगा आपके पास इक्वल टू टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को निकालना, डी वाई ओवर डी एक्स को निकालते हैं, तो यहां क्या रह जाएगा एक्स कोस एक्स वाई, और यहां क्या रह जाएगा आपके पास माइनस एक्स ओवर वाई, और यहां रह जाएगा प्लस वाई, ठीक है। और इक्वल टू में क्या है, इक्वल टू में है टू एक्स, ये जैसा क्या हो जाएगा माइनस वन बाई वाई नेगेटिव, और ये कोस बी वाई क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा आपका माइनस ऑफ वाई कोस एक्स वाई, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप हम वाई एलसीएम ले सकते हैं, तो वाई एलसीएम लेंगे तो यहां क्या आएगा टू एक्स वाई, यहां वन, और यहां क्या आएगा वाई स्क्वायर, और टोटल के अपॉन में क्या रहेगा वाई, यहां भी एलसीएम क्या ले सकते हैं हम वाई, तो वाई एलसीएम लेंगे तो आपके पास यहां आएगा एक्स वाई, यहां आएगा वाई, और टोटल के अपॉन में वाई, तो ऐसे वाई से वाई आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और ये इधर आगे क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में, ओके। अब एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, ये वाला पार्ट कौन सा है ये पता नहीं, हमें इरेज कर दिया है, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं नाइन का टेन जो भी है, यानी लिख लेते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू टेन ऑफ एक्स वाई डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कौन सा मेथड लगा यू इन टू बी, फर्स्ट एस टी सेकंड का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एस टी एक्स का वन, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, यानी एक्स वाई, अब एक्स वाई का अगेन यू इन टू बी मेथड से इंटू लगाएं, एक्स एस टी वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एस टी ऐसा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, ओके। सिंप्लीफाई करें भी डी वाई बाई डी एक्स यहाँ है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स टर्म इधर गया मल्टीप्लाई करके क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, यानी एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, और इंटू क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या रह जाएगा वाई सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, और ये जो टर्म है इसको उधर ले जाओ माइनस ऑफ वाई, ठीक है। और क्या कर सकते हैं दोनों में से डी वाई बाई डी एक्स को हम कॉमन निकाल सकते हैं, यहां से एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकाला, तो यहां क्या रह जाएगा वन माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, ओके। यहां से वाई कॉमन, यहां क्या रह जाएगा, यहां से हम वाई कॉमन निकालेंगे माइनस वाई निकालो, ये हो जाएगा पॉजिटिव वन माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, वन माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई से वन माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई कॉमन,
और dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी माइनस वाई ओवर x। तो बेटा ये सभी में आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। डेरिवेटिव का आपका टॉपिक पीक पे पहुंच चुका है, पीक का मीनिंग है आपने काफी कुछ अटेम्प्ट कर लिया है, इसके अलावा डेरिवेटिव में आपके पास कुछ भी रिमेनिंग नहीं रहता है। ओके, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ से रिलेटेड बेटा ये जो आपके एग्जांपल हैं वो भी अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स में एनुअल में आया हुआ है, कभी आपके नेक्स्ट टाइम भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम। तो कहते हैं फर्स्ट में हमें क्या करना है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दी फर्स्ट का विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करें तो ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव आएगा ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई का आएगा ए की पावर वाई, और वाई का आएगा बेटा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव आएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई एज इट इज। ओके ठीक है, और एक्स प्लस वाई का क्या आएगा, एक्स का 1 हो जाएगा और वाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया, ये ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ई की पावर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। इसको हम क्या करते हैं, इधर ले आते हैं, तो इधर ले आएंगे ई की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स प्लस वाई, और दोनों में कॉमन क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं माइनस ई की पावर एक्स। एंड बिकॉज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, ए की पावर एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पुट कर दें ए की पावर वाई माइनस ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर वाई, माइनस क्यों हुआ है क्योंकि बाहर नेगेटिव है, इनटू क्या है डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पुट करते हैं ए की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई और माइनस क्या है ए की पावर एक्स, ये कैंसिल आउट, यहाँ वाई आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी ई की पावर वाई एंड डिवाइडेड ऑफ क्या आएगा माइनस ई की पावर एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स माइनस क्या आएगा आपके पास अप्लाई हो जाएगा और ई की पावर क्या हो जाएगा वाई माइनस एक्स। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है बेटा, सेकंड पार्ट में कुछ ज्यादा नहीं है, पहले देखो डिनोमिनेटर में 1 प्लस लॉग एक्स है तो हमें क्या करना है, इसको सेपरेट कर ले, वाई को इधर ले आते हैं, वाई लॉग एक्स इज इक्वल टू y आपका क्या हो जाएगा इधर आके पॉजिटिव इज इक्वल टू एक्स, वाई कॉमन यानी 1 प्लस क्या आएगा log x इज इक्वल टू एक्स है और y की वैल्यू क्या आएगी x ओवर 1 प्लस log x, इसके ऊपर आप अप्लाई कर दो u अपॉन v मेथड आपका रिजल्ट कौन है। इसमें भी आपको डायरेक्ट ही करना है क्वेश्चन नंबर 1 में और थर्ड में भी डायरेक्ट करना है, लेकिन जो सेकंड है ये डिफरेंट है इसलिए हम क्या करते हैं सेकंड को अटेम्प्ट करते हैं। ओके, तो इन दोनों कर देते हैं हम इरेज, ये आपको डायरेक्ट करने हैं, इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी फर्स्ट और थर्ड में, सेकंड में प्रॉब्लम आएगी जो हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ क्या करें, एक्स को पुट करते हैं हम साइन ए और वाई को पुट कर देते हैं साइन बी। ओके, तो ये रिजल्ट आपका बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी क्या आएगा कोस ए आएगा प्लस यहाँ आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी यानी कोस स्क्वायर बी, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ आएगा कोस बी इज इक्वल टू ए इंटू, यहाँ आपके पास क्या है साइन ए माइनस साइन बी। ओके, तो यहाँ आइडेंटिटी लगा दी हमने कोस सी प्लस कोस बी, टू कोस सी प्लस बी बाई टू इंटू कोस सी माइनस बी बाई टू। ओके बेटा, ए यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, टू कोस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। ओके, तो यहाँ आपका 2 से 2 कैंसिल आउट, ठीक है, कोस ए प्लस बी बाई टू से कोस ए प्लस बी बाई टू कैंसिल आउट, और यहाँ जो रिजल्ट आपके पास रह जाता है ये इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है, कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट a माइनस बी बाई टू एंड इज इक्वल टू ए, ठीक है, और यहां से इधर लेके जाएंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी a माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू कोट इनवर्स a, और 2 डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अब हम क्या करेंगे a की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स x और b की वैल्यू क्या आएगी कोस इनवर्स y, दोनों को पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ वैल्यू आपके पास बन जाती है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y
एंड इज इक्वल टू टू कोट इनवर्स ए। अब हम इसका फिक्र करते हैं डेरिवेटिव, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और वाई का क्या आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो। अब आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्रूव करनी थी तो ये जाके नेगेटिव और ये जाके डिवाइड, ओके तो ये आपकी प्रूव हो जाती है। ठीक है बेटा, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, या कंबाइन कर दे इसको, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी सेवंथ क्वेश्चन। तो सेवंथ क्वेश्चन में बेटा जो आपका सेकंड पार्ट है टेन को इधर लेके जाओ आप, ये हो जाएगा टेन ए। ठीक है, फिर आप इसको अटेम्प्ट कर देना वेरिएबल सेपरेबल से। ठीक है, तो ये तो हम अटेम्प्ट कर नहीं रहे, सेकंड पार्ट हम अटेम्प्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर फर्स्ट, पार्ट नंबर फर्स्ट जहां आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन बाय टी स्क्वायर एंड एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर और डी वाई बाय डी एक्स को ये प्रूव करना है। तो पहले क्या किया बेटा, इसका होल स्क्वायर यानी एक्स की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, टी इंटू वन बाय टू को कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ वैल्यू क्या पुट कर देते हैं हम, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू, ये आपकी क्या हो जाएगी कैंसिल आउट, और टू से आपका टू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या आई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। अब हम कर देते हैं इसका डेरिवेटिव, वाई का क्या आएगा टू वाई स्क्वायर का टू वाई एंड वाई का डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वन बाय एक्स क्या आएगा माइनस माइनस टू अपॉन एक्स की पावर थ्री आएगा। ठीक है, पावर इंक्रीज हो जाती है, ओके तो यहां से माइनस आपका कैंसिल आउट। ठीक है, एंड टू से टू भी कैंसिल आउट और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आएगा वन ओवर एक्स क्यूब वाई, एक्स क्यूब वाई यही आस्ते बेटा, ये सभी टाइप आपके पास सेम है, यानी ये फंक्शन ये जो टाइप है इसमें फंक्शन आपका रिपीट होता है, ओके तो हम सभी चार में से हम सिर्फ लास्ट करते हैं, कुछ मेरे को एग्जाम्पल भी ट्राई करना, सभी सेम है। तो यहां आपके पास लेट y इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या है आपके पास टेन एक्स प्लस रूट ऑफ टेन एक्स एंड प्लस अप टू इन्फिनिटी, y के इक्वल राइट किया। अब आपने क्या राइट किया अभी इस टाइम में y इज इक्वल टू रूट ऑफ टेन एक्स प्लस, ये देखो आपके पास ये सारा क्वेश्चन अगेन रिपीट हो रहा है, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल है वाई के इक्वल है। अब आपको क्या करना है स्केयरिंग बोथ साइड, ठीक है, जहां से आपको स्केयरिंग बोथ साइड जहां से फंक्शन रिपीट होता है वो आपका इक्वेशन वन के इक्वल हो जाएगा, स्केयरिंग करेंगे तो यहां आएगा वाई स्केयर, इधर आएगा टेन एक्स प्लस वाई, सेपरेट कर लें, सेपरेट कर लेते हैं तो इधर ले आओ विचार डायरेक्टिव कर लो नो प्रॉब्लम, टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू टेन से क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स एंड वाई का क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, इधर ले आओ भी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन दोनों में से, यहां क्या रह जाएगा टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू क्या है सीकेंट स्क्वायर एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी सीकेंट स्क्वायर एक्स ओवर टू वाई माइनस वन, ओके बेटा। तो आपका पार्ट वन टू थ्री यहाँ क्या होगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा, फिर स्केयरिंग करेंगे यहाँ क्या आएगा साइन एक्स प्लस वाई, फिर स्केयरिंग यहाँ क्या आएगा लॉग एक्स प्लस वाई, फिर स्केयरिंग, और आपके सभी पार्ट क्या है सेम हैं, सभी को बेस्ट ऑफ लक क्योंकि डेरिवेटिव के मिड में आ चुके हैं हम। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक अटेम्प्ट करेंगे डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 7.5 एलिमेंट्स बुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।